अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं झारखंड के खरसावा में हूं, जहां से पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद तबरेज नाम के शख्स की एक खबर वायरल हो रही है कि उसको भीड़ ने मारा है, नफरत ने मारा है। जबकि मेरा ये मानना है कि उसको नहीं बल्कि इस मुल्क के संविधान को मारा है, एकता को मारा है, और इस जालिम सरकार ने मारा है, चूँकि उसके शह पे उसके लोगों ने मारा है। अब पूरी बात दरअसल अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग वायरल कर रहे हैं। हम लोग इनके घर पे हैं, बहुत सारी तंजीम, बहुत सारे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छी बात है, उनको एक मुद्दा मिला है, करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब तक कानूनी लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ी जाएगी, तो हर तबरेज महीने दो महीने पे हमें एक एक तबरेज की लाशें ऐसे ही ढोकर अपने ऊपर जुल्म को पूरी दुनिया को बताना होगा कि हम पर जुल्म हो रहा है। आज जब हम लोग यहाँ पहुँचे, उनकी FIR की कॉपी देखी, तो बिल्कुल, चूँकि इल्म की कमी होती है, जाहिर है ऐसे इंसिडेंट्स में आदमी इस चीज़ का ख्याल नहीं होता, तो अब उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सही कराया जाए। और चूँकि ज़बरदस्ती पुलिस ने FIR गलत लिखवाया है अपने तरीके से, उसके ऊपर इस मुल्क का एक बड़ा तबका चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं, इस चीज़ को एक अकाउंट नंबर वायरल हो रहा है, बहुत सारी जानकारी है जो उनके घर वालों के मुंह से। मैं कोशिश करूँगा कि सारी बात आप तक पहुँचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मकसूद आलम। मकसूद साहब, आप कौन हैं तबरेज, मरहूम तबरेज के? मैं उनका छोटा चाचा हूँ। अच्छा, मतलब सगे छोटे चाचा। जी जी। ओके, आप पूरी बात बताइए कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो कहाँ रहते थे तबरेज, उम्र क्या थी? तबरेज की उम्र 24 साल है, और वो पूना में काम करते थे, 7 से 8 साल से वहीं रह रहे थे, और 2 महीना पहले वो आए थे अपने घर पे। हाँ। और 27 अप्रैल को उनकी शादी हुई, और 27 अप्रैल को शादी हुई, उसके बाद वो 2 महीने हुई शादी की, मतलब इसी 27 अप्रैल 2019। जी जी, इसी 27 अप्रैल 2019 को। और वो अभी बोले कि ईद के बाद हम चले जाएंगे पूना, और अपने फैमिली को लेके चले जाएंगे। ठीक। इस 30 तारीख को? जी जी जी। और वो जमशेदपुर गए थे 17 तारीख को, क्योंकि 10 बजे रात को वो कॉल किए अपने अहलिया को, वाइफ को कॉल किए 10 बजे रात को कि मैं आ रहा हूँ। जी। और रात को कॉल करने के बाद और उनका कॉल नहीं आया। जी। और वो घर भी नहीं पहुँचे, और उसकी वाइफ जो है वो इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई, वो सो गई। जी। जब फजर हुआ उस समय तकरीबन 5 बज रहा था। जी। तो 5 बजे उसका कॉल आता है कि साहिस्ता, तुम जल्दी से आओ किसी को लेके। जी। और मुझे धतकीडी गांव में पकड़ लिया गया है, और बहुत मारा जा रहा है, और जल्दी से तुम हमको बचाओ। जी। वो बेचारी क्या करती है अकेले, वो इसको अगल बगल बोली सबको, हम लोग को खबर दी ऐसी ऐसी बात हुई है, तो हम लोग यहाँ से 5 लड़के 6 लड़के हम लोग यहाँ से निकले। जी। धतकीडी गांव। जी। जब धतकीडी गांव वहाँ पर पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि पूरा गांव वहाँ पे 2-3 गांव मिलके उसको पीटा जा रहा है, बहुत जबरदस्त पीटा जा रहा है, पोल में बांध के रखा गया है, और उससे बोल बोल के मारा जा रहा है। क्या बोल के मारा जा रहा है? कि जय श्री राम बोलो, और एक बार जय श्री राम बोलो, और एक बार जय श्री राम बोलो, और उसको बोला जा रहा है कि तुम चोर हो बोलो। तो ये सब उसको साजिश में फंसा, मगर इस वीडियो में तो वो बार बार ये कह रहा है जय श्री राम, तो उसने दबाव में कहा है, मगर कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ और मैं नहीं जानता, क्योंकि उस रास्ते से वो आ रहा था। जी जी। तो उससे नाम पूछ के मारा गया है। जी जी। उसको सबसे पहले उससे नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता अपना नाम सोनू अंसारी। जी। तो वहाँ पे बोलते हैं लोग कि ये सोनू अंसारी नहीं होता है बे मादर चोद, तुम अपना ओरिजिनल नाम बताओ। और ये बोला कि नहीं, मेरा नाम सोनू अंसारी। बोला कि ओरिजिनल बताओ, तो बोलता तबरेज अंसारी है। तो उससे जब तबरेज अंसारी बोलता है, तो बोलता ये मुस्लिम है,
ये साला कटुआ है उसका वो वाला काट देना चाहिए, ये भी शब्द इस्तेमाल किया गया है। और उसको पीटा जा रहा है, बेरहमी से उसको पीटा गया और इतना पीटा गया, इतना पीटा गया कि गांव वाले मिलके उसका जान ले लिए। उसके बाद जब वो अधमुरा हो गया, कोमा के हालत में चला गया, तब वहां पे पुलिस पहुंचती है और पुलिस आके वहां पर खड़ी रहती है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा है, वो फिर भी उसको मारा जा रहा है, पुलिस के सामने उसको मारा जा रहा है, प्रशासन वहां पे आके खड़ी है और उसको मारा जा रहा है। अब मार के मारते 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 उसको अधमोरा जब कर दिया गया, उसके बाद उसको पुलिस के अंडर में दिया गया। पुलिस उसको लेके जाती है सरायकेला थाने में, चारों चोरी के आरोप में लेके उसको सरायकेला थाना में जाती है और वहां पर उसको लॉकअप में डाल दिया जाता है। इलाज ना करा के पहले लॉकअप में डाल देता है, इलाज नहीं किया जाता है और लॉकअप में डाल दिया जाता है। और जब हमारे घर के सदस्य पहुंचते हैं पूरे फैमिली वहां थाना में, तो वहां पे उसको बोला जाता है, जब हमारे बड़े भाई थाना के अंदर गए तो बिपिन बिहारी सिंह कहते हैं कि तुम कौन हो? बिपिन बिहारी सिंह SHO जो वहां का थाना अध्यक्ष है। जी नहीं, वो वहां के SIO है। अच्छा, SIO है, ठीक है, केस आयो है वो। केस आयो, वो कहते हैं कि तुम कौन हो? ये बोलते हैं मैं उनका चाचा हूँ। बोले साले यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा भी मार के पांव हाथ तोड़ देंगे, और उसको भी यहाँ निकाल के अभी इतना मार मारेंगे कि यही मर जाएगा। उसी दरमियान हमारे बड़े भाई जो है थोड़ा डर जाते हैं, वो एक आलिम है, हाफिज है, कारी है, मुक्ति है, ग्रेजुएट है, तो अपना इज्जत के लिए वो बाहर आ गए और उनकी अहलिया जो थी और उनकी सास शाइस्ता परवीन और उसकी अम्मी, वो लोग बोलते हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। जबरदस्ती अंदर जाती है लॉकअप के सामने। हाँ। जब लॉकअप के सामने पहुंचती है तो वहां पर एक व्यक्ति आता है जो मोटा सा, उसका नाम पप्पू मंडल है। जेल के अंदर, थाना मतलब थाने के अंदर, थाने के अंदर लॉकअप में, लॉकअप में पप्पू मंडल अपना उसका नाम है। और वो आके बोलता है ये साला अभी तक जिंदा कैसे है, इसको हम लोग इतना मारने के बाद भी अभी तक बचा कैसे, मर क्यों नहीं गया? तो उसकी साहिस्ता की अम्मी उसको पूछती है तबरेज को कि ये कौन है, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो उसकी अम्मी को वो बोलता है कि बहुत धीरे से, कुछ भी बात नहीं कर पा रहा था, धीरे से बोलता है कि यही है लोग है जो हमको मारे है और हमसे जय श्री राम का नारा लगवाए। और उसके बाद पुलिसकर्मी वहां से उसको कुछ भी नहीं करती है जी। और हम लोग के फैमिली को वहां से निकाल दिया जाता है। अब फैमिली जो है वो घर पे आती है अपना घर पे, और हमारे भाई भी आते हैं, गांव वाले से बात करते हैं, ऐसी ऐसी बात हुई है। तब तक हम लोग को गांव वाले को इकट्ठा करते बताते, तब तक पता चलता है कि उसको चलान कर दिया चुका है जी। जी, अब उसको जेल में भेज दिया गया। जब उसको जेल में भेज दिया गया तो उसको हम लोग उसके दूसरे दिन जेल पहुंचते हैं। जब जेल में पहुंचते हैं हमारे बड़े भाई साहिस्ता और उसकी अम्मी, तो उसको दो पुलिसकर्मी उसको पकड़ के लाता है, जो कि वो चल भी नहीं पा रहा और इतना रो रहा है दर्द के मारे, इतना रो रहा है कि वो अपना आंसू भी नहीं पोंछ पा रहा है। और दो पुलिसकर्मी उसको पकड़ के रखे हुए है, खड़ा भी नहीं पा रहा है, अपना हाथ को भी नहीं उठा पा रहा है। और वो बोलता है कि हमको जल्द से जल्द इलाज कराया जाए, हम बहुत तकलीफ में है और बहुत ज़्यादा हमको चोट लगी है और जल्द से जल्द हमको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। तो हमारे बड़े भाई उसको दिलासा देते हैं और बोलते हैं ठीक है, हम लोग इसके लिए बात करते हैं। और वहां से फिर जेल से हमारे बड़े भाई और उसकी वाइफ ये लोग रिटर्न आते हैं। आने के बाद घर पे यहां पे बताते हैं ऐसी ऐसी बात हुई है, तो जेल में गए थे, ऐसे ऐसे हालात हुई है देख के उसको। तो हम लोग उसके दूसरा दिन फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में वकील को पकड़ते हैं, वकील से मशवरा करते हैं कि ऐसी से बात हुई है तो इसको क्या किया जाए। सबसे पहले तो हम लोग का डिमांड ये है कि उसको वहां से बाहर निकाला जाए और उसको ट्रीटमेंट किया जाए। तो वकील का कहना है कि इसको अभी ट्रीटमेंट के लिए बाहर आने नहीं देगा, सबसे पहले हम इसका नकल निकालते हैं। नकल कॉपी जब निकाले तो पता चला ऐसे ऐसी बात है, और वो बोलते हैं वकील कि इसको हम एक दिन स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद दूसरे दिन इसको हम फाइल करेंगे, और उसके बाद जैसे होता है अगर वहाँ से डॉक्टर, जेल के जो डॉक्टर है वो अगर लिख के देते हैं कि इसको रेफर किया जाए तो फिर इनको रेफर किया जाएगा यहाँ से। तब हम लोग बात करके वहाँ से रिटर्न आते घर पे। अब एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन पता चलता है सुबह सुबह उसको आनन फानन में सदर हॉस्पिटल में लाया गया। हम लोग को जब पता चलता है कि उसको आनन फानन में लाया गया तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं
आनन फानन में जब उसको लाया गया, एडमिट मतलब तीसरे दिन, तीसरे दिन 18 तारीख के रात की घटना, 17 तारीख के रात की घटना है, 18 19 को नहीं 20 को हॉस्पिटल लाया गया, नहीं 20 को नहीं 22 को, 22 को लाया गया। अच्छा। और जो कि उसको इलाज भी नहीं कराया गया, जेल में भी उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इसमें जेल के जो डॉक्टर है वो सबसे बड़ा मुजरिम है, और जेलर भी। अच्छा। ये सब साजिश है, सब मिले हुए हैं, और ये लोग उनका ट्रीटमेंट नहीं किए और ऐसे ही उसको वार्ड में डाल दिया गया जी। और ऐसे ही वार्ड में डाल दिया गया, और हम लोग जब 22 के सुबह सदर हॉस्पिटल सरायकेला पहुंचते हैं तो वहां पर दो पुलिसकर्मी और भी ज़्यादा ही लोग थे, पुलिसकर्मी लोग, जो हम लोग 7:30 में वहां पहुंचते तो हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाता मिलने के लिए, और बोलते हैं अभी बाहर रुको। तब तकरीबन एक घंटा हम लोग बाहर ही खड़े रहे, और 8:30 बज चुकी थी। उसके बाद बोले कि किसी एक को अंदर जाने की इजाज़त है सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे, जो कि 7:30 में हम लोग सदर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। और 8:30 में बोलते हैं पुलिसकर्मी किसी एक को जाने की अंदर इजाज़त है, तो मैं खुद अंदर जाता हूं और मेरे से डॉक्टर से बात होती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप कौन है, मैं बोलता हूं मैं उनका चाचा हूं। तो डॉक्टर बोलते हैं ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये अब डेट कर गए। हाँ। तो मेरा माइंड काम नहीं करता है, मैं बाहर आता हूँ, अपने भाई को बताता हूँ, अपने फैमिली को सेव करता हूँ, उसके बाद अपने दोस्त लोग को बताता हूँ, फिर अपने गांव में कॉल करता हूँ, अपने रिलेशन में कॉल करता हूँ, फिर प्रेस वाले को कॉल किया मैं। उसके बाद वहाँ प्रेस वाले पहुँचे, तो प्रेस वाले तकरीबन 10-11 बजे वहाँ पे पहुँचे, प्रेस वाले को पूरा वाकया बताया, इसी इसी हुई, हम लोग सुबह 7:30 बजे आए थे, 8:30 तक मिलने नहीं दिया गया, और अभी देखिए 11 बज चुकी है, 10:30-11 अभी तक हम लोग को उसके साथ मिलने नहीं दिया गया है। तो प्रेस वाले लोग बोलते चलो हम लोग अंदर चलेंगे। हाँ। उस बॉडी को देखेंगे और उसके साथ एक फोटो लेना। जब हम लोग अंदर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर चादर एक डाला हुआ है, और उसको हटाया जाता है, उसको जब देखते हैं उसके नाक से झाग निकल रहा है। हाँ। और झाग में उसका नाक में उबाल आ रही है, तो उस उबाल से हम लोग को पता चलता है, हमारे एक दोस्त है डॉक्टर लंस से, वो चेक करते हैं तो बोलते हैं अभी इसमें जान है, ये तो मरा नहीं है। कितने बजे, ये 8:30 बजे आपको बोल दिया कि मर गया, लेकिन कितने बजे? 8:30 बजे डॉक्टर हमको बोल दिए कि इसकी मृत्यु भी हो चुकी है। ठीक है। और 11:30 बजे जब हम लोग अंदर जाते हैं 3 घंटा के बाद, तो पता चलता है अभी तक उसमें सांस बाकी है, अभी तक वो जिंदा है। तो हम लोग वहाँ पे डिमांड करते हैं इसको जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिया जाए और ईसीजी टेस्ट किया जाए। तब वहाँ पे ईसीजी टेस्ट उसको किया जाता है, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। जब अगर डॉक्टर वहाँ घोषित कर चुके थे कि 8:30 बजे मर चुका है, तो फिर उसको दोबारा ऑक्सीजन कैसे दिया गया और उसको दोबारा ईसीजी टेस्ट कैसे किया गया, इसके लिए डॉक्टर से हम जवाब मांगते हैं। और इसमें सदर अस्पताल के डॉक्टर सबसे बड़ा मुजरिम है। और उसके बाद उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, ईसीजी टेस्ट के हिसाब से पता चलता है कि अभी भी इसमें 10% जान है। तो हम लोग डिमांड करते हैं इसको कि इसको जल्द से जल्द जमशेदपुर TMH में रेफर किया जाए जी। तो हम लोग का डिमांड को मंजूरी नहीं किया जाता है। अच्छा। और तकरीबन 1 घंटा लगाया जाता है इसमें कि नहीं हाँ करके वो लोग कहते हैं कि नहीं इसको TMH नहीं MGM भेजेंगे। मतलब दोपहर 12:30 बजे हालत बहुत सीरियस थी, लेकिन फिर भी आपको ना एम्बुलेंस दे रहे थे ना रेफर कर रहे थे। जी जी, मैं वही चीज बता रहा हूँ कि वहाँ 12:30 बज चुकी थी और हम लोग को रेफर का ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा था। बहुत जबरदस्ती हो अल्लाह, बहुत शोर शराबा करने के बाद प्रशासन से बहस हुई, डॉक्टर से बहस हुई, तब हम लोग को बोले कि ठीक है आप लोग लेके जा सकते। जब हम वहाँ पे डिमांड किए ठीक है हमको एम्बुलेंस दिया जाए, इमरजेंसी है, तो वहाँ पर 2 बड़ी गाड़ी एम्बुलेंस अवेलेबल थी। हाँ। जो हम लोग को नहीं दिया गया। अच्छा। और एक सोमो गाड़ी दिया गया जो एम्बुलेंस लिखा हुआ भी नहीं था और लाल बत्ती भी नहीं थी उसमें। हाँ। और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत छोटा था, जो उसका बॉडी फिट भी नहीं बैठ रहा था। हम लोग जबरदस्ती उसको जैसे तैसे उठाए और गाड़ी में डाले, उसके पाँव को मोड़े, और उसके बाद हमारे बड़े भाई को उसमें बैठाए और गेट को बंद किए और वहाँ से निकाला गया। और उसके साथ साथ हम लोग निकले पीछे से। तो पीछे से निकलने के बाद कॉल आता है रास्ता में कि वो ड्राइवर बोल रहा है और दो पुलिसकर्मी कि इसको
ईएमएच हम लोग लेके नहीं जाएंगे, इसको हम लोग एमजीएम लेके जाएंगे। तो भाई हमारे हमको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे ड्राइवर और दो पुलिसकर्मी बोल रहा है कि इसको टीएमएच लेके नहीं जाएंगे, एमजीएम लेके जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि अपना लाउड स्पीकर ऑन करो मोबाइल का। तो भाई लाउड स्पीकर ऑन करते हैं, तो मैं वहाँ भी बहुत सारा बात बोला, ड्राइवर को भी बका, और मैं बोला अगर वो नहीं आना चाहते हैं टीएमएच में तो कौन सा रोड से वो एमजीएम लेके जा रहे हैं। यहाँ मीडिया वाले लोग आए हुए जो कि हम लोग सरायकेला सदर हॉस्पिटल से 40 से 45 मिनट में टीएमएच पहुंच चुके थे और ये लोग रास्ता में ही थे। अब हमको बताया जाए कि ये कि अच्छा सेम दूरी आपने 40 से 45 मिनट में तय कर लिया जी, और जी, अभी जी, तक ये लोग एम्बुलेंस वाले से नहीं पहुंच पाए, वाले अभी तक गाड़ी से नहीं पहुंच पाए, मतलब सीरियस कंडीशन में। जी जी, सीरियस कंडीशन में भी वो नहीं पहुंच पाए थे और गाड़ी की स्पीड 40 से 35 से 35-40 की स्पीड में गाड़ी को चलाया जा रहा था, जो कि सरायकेला से टीएमएच 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है, वो भी वो हाईवे है और कहीं कोई ट्रैफिक भी नहीं है। फिर भी ड्राइवर केयरलेस किया और ड्राइवर चाहता था कि रास्ता में ही उसकी मौत हो जाए और किसी तरह वो पहुंचे नहीं वहां जिंदा। तो फिर भी 1 घंटा 10 मिनट में वो रास्ता को तय किया, जो रास्ता को हमने 40 से 45 मिनट में तय किया। और वहां जब वो पहुंचते हैं तो इमरजेंसी रूम में हम लोग लेके जाते हैं, तो वहाँ ईसीजी टेस्ट के हिसाब से पता चलता है कि ये डेट कर चुका है। अच्छा। तब वहाँ प्रेस वाले आते हैं, प्रेस वाले को हमने बहुत सारा स्टेटमेंट दिया और सब कुछ बताया, इसी से बात हुई है। उसके बाद बॉडी को फिर से रिटेन वहाँ से लाया जाता है सरायकेला में, तो उसको वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। तो पोस्टमार्टम के लिए लाया, तो हम लोग ने वहाँ पे कंप्लेन किया कि हम लोग एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। तो हमारी एफआईआर दर्ज कराने के वजह से वो लोग बोलते हैं कि नहीं है, पहले एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पहले इसको पोस्टमार्टम किया जाए। तो हम लोग डिमांड करते हैं कि पोस्टमार्टम करने नहीं देंगे, पहले एफआईआर दर्ज होगा। तो पुलिस प्रशासन बहुत ही हम लोग को प्रेशर देते हैं और जबरदस्ती धमकाते हैं, चमकाते हैं और बोलते हैं कि नहीं पहले पोस्टमार्टम होगा। हम लोग ने पोस्टमार्टम का ऑर्डर नहीं दिया और हम लोग से जबरदस्ती एफआईआर लिखाया गया कि ऐसे ऐसे लिखो। अच्छा, खुद से लिखवा दिया कि ये चीज लिख दो। जी जी जी, ऐसे ऐसे लिखो, लिखवा के एफआईआर को वहां पर लिया गया। उसके जल्दी जल्दी में हम लोग को लिखाया गया कि जल्दी जल्दी लिख के दो, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा, 4:30 बज चुका है और 5 बजे पोस्टमार्टम बंद हो जाएगी, 5 बजे के बाद नहीं होगी। और जल्दी जल्दी हम लोग से लिया गया, जो भी सका वो लिखवा दिया और हम लोग उसको लिख के दे दिए और उसके बाद उसके पोस्टमार्टम हुई। उसके बाद जिस तरह से हमारे जो नियम है उसको हमने निभाया, हमारे बॉडी को लगा। जी, हमारी कहना यही है और हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप इस केस में, क्या अब क्या चाह रहे हैं आप? जी, हम चाहते हैं इस केस में जो हमारे जेलर है और जेल के डॉक्टर है और प्रशासन है और सदर अस्पताल के डॉक्टर है जो उसको 8:30 बजे मृत्यु घोषित कर दिए थे और उसके बाद दूसरे डॉक्टर आते हैं, उनसे बहस होती है, वो डॉक्टर तो भाग गए जो मृत्यु घोषित की थी। उसके बाद जो 11:30 बजे दूसरे डॉक्टर आते हैं उससे बहस होती है, वो इलाज के लिए तैयार नहीं होते हैं, 1 घंटा उसमें टाइम लिया जाता है ऑक्सीजन ईसीजी टेस्ट के लिए, तो वो लोग सब दोषीदार है। उसके साथ साथ धतकीडी गाँव के जितने लोग है जो इसको मारे है और इसको मौत के घाट उतारे हैं, मॉब लिंचिंग के शिकार इसमें किया गया है, इसको हम लोग फांसी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद मौलाना मसरूर आलम। आप कौन थे, तबरेज आपका कौन था? तबरेज मेरा भतीजा हुआ, सगा भतीजा। हम उसके मंझले चचा हुए। जी, तो आप का ये जो सारी बात भाई ने बताई है, अभी हम लोगों ने सुना, पूरी दुनिया देख रही है जी। बहुत तरह की चीज़ खबर वायरल हो रही है। अच्छा, उसके साथ साथ आपका एक और अकाउंट नंबर है जो फेसबुक पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कंफर्म भी किया था जी। जो चाहते हैं कि मदद करें वो, तो क्या वो अकाउंट नंबर सही, उसकी तहकीकात करना बहुत जरूरी थी। वो अकाउंट नंबर क्या सही है? अकाउंट नंबर सही है लेकिन फोन नंबर उसमें गलत है। अच्छा, अकाउंट नंबर सही है, फोन नंबर गलत है। तो एक फोन नंबर हम दे रहे हैं आप लोग को। हाँ, वो आप बता, जो आपको है वो बता दीजिए और अकाउंट नंबर आप अपने मुंह से बता दीजिएगा, जो वायरल अगर वो सही है कि गलत है, बस इतना लोगों को पता चल जाए। सिर्फ कंफर्म करना है आपको, आराम से बताइए आप। नाम है शाइस्ता परवीन जी, और बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 333-2537-374,
और IFSC कोड है SBIN00143 57। और इसमें एक नंबर, दो नंबर जो नीचे दिया गया है वो नंबर बंद पड़ा हुआ है। और किसी को भी अगर पैसा डालना है तो एक मैं नया नंबर, अपना नंबर दे रहा हूँ, उससे पहले कन्फर्म हो जाए, उसके बाद ही पैसा डाले। आप सगे चाचा है ना? हाँ, तो आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9110098375 जी, 9110098375 अपना नाम। हाँ, ये मेरा अपना ये नंबर है और मेरा नाम है मौलाना मोहम्मद मसरूर आलम। तो किसी को भी अगर इमदाद करना हो बेवा के लिए तो पहले इस नंबर पर फोन कर लें और कांटेक्ट कर लें कि वो अकाउंट अभी चालू है या नहीं चालू है, और हम जो अकाउंट देंगे उसी में तो इमदाद का जो रकम हो वो भेजेंगे। मसरूर साहब, क्या चाहते हैं अब आप इस केस हम में? हम चाहते हैं इस केस में जो जो लापरवाही बरती गई है, जैसे डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है, जेल प्रशासन लापरवाही बरती है, पुलिस पर लापरवाही बरती है, यहाँ तक के SDGM कोर्ट में जज को का भी कुछ रोल है, तो ये सब इन लोगों को CBI जांच किया जाए। CBI जांच की मांग करते हैं और फर्स्ट ट्रैक अदालत, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट चलाने का हम लोग का डिमांड है कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाए और जल्द से जल्द दोषियों को सजाए मौत दिया जाए, ताकि आइंदा इस तरह का मॉब लिंचिंग घटना जो घट रहा है, जो हिंदू मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान की थू हो रही है पूरी दुनिया में, ये खत्म हो जाए। इसकी कड़ी से कड़ी ऐसी सजा दिया जाए कि तारीख इसको याद रखे और आइंदा इस किस्म की घटना करने के लिए लोग एक बार सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जौहर आजाद। इस केस में अब तक क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? चूंकि आप लोग समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, आप नजर है आपकी, आप वहां से आए, क्या हो सकता है इसमें पॉजिटिव केस जो होना है? पहले तो मैं बताऊं कि रघुवर सरकार ने क्या किया है जी। एक नाम उछाल दिया पप्पू मंडल जी, जो कि पप्पू मंडल जालिम है, जो पप्पू मंडल और उसके साथ लोगों ने उसकी पिटाई की और पूरी रात मारा, लेकिन कातिल कोई और है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है जी। और उस कातिल का नाम है बिपिन बिहारी सिंह, जो थाने का इंस्पेक्टर है जी। अब बिपिन बिहारी सिंह को रघुवर दास ने ससुराल तो भेज दिया कि चले जाओ छुट्टी पे, लेकिन उस बिपिन बिहारी सिंह को मैं कहना चाहता हूँ कि जौहर आजाद तुमको हर उस बिल से ढूंढ कर निकाल लेगा जहां तुम छुपे हो, और तुमको जब तक सजा उसको नहीं मिलेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि पप्पू मंडल ठीक है, वो अरेस्ट हो गया है, लेकिन वो जालिम है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो कातिल नहीं है। कातिल है बिपिन बिहारी सिंह, जो थाना अध्यक्ष था, जिसने उसको अरेस्ट किया, हॉस्पिटल नहीं भेजा, उनके घर वाले गए, उनको उनको भगाया, उसने गाली देकर भगाया, और ये कहता है कि हम भी निकाल के मारेंगे। एक जख्मी शख्स को उसकी जिम्मेदारी थी सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाने की, हॉस्पिटल नहीं ले गया। हॉस्पिटल में जब गया, जब वो मरने की हालत में होता है तब जेल से भेजा जाता है, लेकिन वहां भी साजिश का शिकार होता है, उसे बचाने की नीयत किसी की भी नहीं थी, नीयत जरूर उसके मारने की थी। तो पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जो बेपर्दा होंगी, बहुत जल्द होंगी इंशाल्लाह। तो आपने सुनी सारी बात, एक शख्स को सिर्फ नफरत ने मार डाला इस मुल्क में। अगर इसी तरीके से ये सिलसिला नहीं रुका तो यकीनन ये हिंदुस्तान लिचिस्तान ज़रूर बन जाएगा, और उसको कामयाब बनाने में मुल्क की सत्ता में बैठे लोग, बिहार की और झारखंड के, उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क में नफरत बोया जा रहा है। तो उन तमाम हिंदू भाइयों को सबसे पहले तो मेरा सलाम है जो तबरेज़ की लड़ाई को बढ़ चढ़ के अपनी लड़ाई समझ के लड़ रहे हैं, चूँकि यकीनन इस मुल्क में एकता थी, एकता है और एकता रहेगी। और जो बुरे लोग, उन्वादी लोग हैं, नफरत फैलाने वाले, उनको सख्त से सख्त सज़ा हो, ताकि आइंदा से कोई दूसरा तबरेज़ ना बने, कोई इस तरीके की घटना ना घटे कहीं पर। तबरेज़ के कुछ दोस्त हैं यहाँ पे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप?
और अभी तक हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है जी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ बदलाव की खबर आ रही जी है जी जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम लोग को पता चला है कि वायरल हुई है, कि उसको कुछ भी इंजरी नहीं है और वो पहले से बीमार था। अच्छा, पहले से बीमार था ऐसे हम लोग को पता चला। जो बात वायरल हुई है तो इसको जो डीसी साहब वायरल किए है कि ये पहले से बीमार था, तो इस पे तहकीकात किया जाए और हमको इंसाफ दिलाया जाए और इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फिर से इसको मतलब जांच किया जाए। अच्छा, इस पे एक बार निष्पक्ष जांच फिर से इस पे हो जी, इसको जांच किया जाए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के दैनिक भास्कर में, हमारे खरसवां के यहाँ लोकल पेपर जो है दैनिक भास्कर, उसमें दो दिन उसमें आर्टिकल छापा गया कि यहाँ के कुछ लोग, कम से कम 400 लोग खरसवां से जाते हैं धतकीडी गांव में और बोलते हैं कि गांव वाले लोगों को इसने मारा और गांव वाले लोग को इसने मारा, धमकाया, चमकाया और रेपिस्ट का केस इसमें दर्ज कराया गया है। ये सब चीज गलत है और जो कि वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद है और पूरे गांव में पुलिसकर्मी दिया गया है, पूरा प्रशासन वहाँ मौजूद है और बोलते हैं कि दो बोलोरो आदमी आते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे हंगामा करते हैं, ये सब चीज गलत है और हम लोग को फंसाया जा रहा है इसमें। अच्छा, उल्टा अब घर वालों को, गांव वाले को ही फंसाया जा रहा है। जी जी, वो लोग कहते हैं, पेपर में दिया है दैनिक भास्कर में कि 400 लोग कदमडिया से आते हैं धतकीडी गांव में और औरत लोग को धमकाते हैं, चमकाते हैं और रेप का इल्जाम लगाते हैं। ये सब झूठा इल्जाम है और वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है पूरे गांव में और इस चीज को हम खंडन करते हैं और इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से सहायता चाहते हैं कि हमारी मदद करे और हमारे एसपी डीएसपी जो भी है हमारी मदद करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन नाम हुआ, यही का मकामी हूँ, यही की निवासी हूँ मैं। तबरेज, मरहूम तबरेज को कब से जानते हैं आप? तबरेज मरहूम को बहुत छोटा से जानता हूँ, ये एक बहुत शरीफ लड़का, गांव के ही रहने वाला। जी जी, गांव का रहने वाला। इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट, कोई एफआईआर कभी नहीं, कुछ कभी नहीं, कभी नहीं। एक लड़का, एक मजदूर टाइप का लड़का था। हाँ, हमारे झारखंड में रोजगार नहीं जी, इसके लिए वो बाहर गया था कमाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए। जी जी। अभी एक शिकार हुआ है, बहुत दुखद शिकार हुआ है, तो इसे जो है ना चोर के इल्जाम में लोगों ने मारा। जब चोर साबित नहीं हुआ तो इल्जाम चोर नहीं था, नफरत ने मारा, नफरत उसको ने सरकार ने चोर बनाने की, प्रशासन शासन ने मिल के, भाजपा के टुच्चे नेताओं ने, प्लस में आजकल पुलिस प्रशासन और मीडिया का एक बड़ा तबका भी जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के साझा वाला सरकार है। तो वो लोग अपने बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बचाने में लगे रहते हैं, तरह तरह के इल्जाम लगाने में लगे रहते हैं। तो बस इतना ही पूछना था या दुनिया को बताना था कि तबरेज को आप बचपन से जान रहे हैं, कभी इस तरीके से ना उसके ऊपर कोई FIR रही? मेहनत करने वाला एक मजदूर लड़का जो पुणे में शायद वेल्डिंग का काम करता था, जी करता, जी और अभी डेढ़ महीने पहले उसकी शादी हुई थी, शायद 20 अप्रैल को, 27 अप्रैल को वो ईद में यहाँ आया था। अब जाने ही वाला था कि हादसा उनके साथ में हुआ और जय श्री राम जय हनुमान के नाम से उनको मारा गया, जो पूरी दुनिया देख रही है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को भी ये धुर्मिल कर रहे हैं, कुछ कुत्ते कुछ भेड़िए। असल में वो जानते नहीं है राम को, अगर जानते तो अगर वो जय श्री राम से अगर उनका राम अगर खुश हो जाता था तो उनको छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल, इसका मालूम ये चला कि जय श्री राम ये दूसरा नाम जो है ना आतंक का है, ये नफरत का आतंक का, बेशक ये इन लोगों ने गलत नाम बदनाम कर रखा है, बर्बाद कर रखा है। जय श्री राम का दूसरा नाम जो है ना आतंक का नाम रहा है, लोग इन लोगों ने जो है ना इस तरह की हरकत किया है। तो हम लोग यहाँ के पूरे गांव वाले, पूरे बस्ती वाले, यहाँ तक हमारे साथ में आदिवासी लोग भी हमारे साथ में है, दलित लोग भी हमारे साथ में है कि इनको तो फांसी होनी चाहिए, जितने दोषी है इसमें और पप्पू मंडल है और जितने भी दोषी है गाँव वाले लोग, इनको तो फांसी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका आपके साथ है, जंतर मंतर से लेकर पटना तक सारे लोग जो है हमारे साथ में है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।